वेलकम टू माय चैनल प्राइम गेम स्टार। दोस्तों, प्राइम गेम स्टार यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप ट्रिगर्स को यूज़ कर सकते हो। गाइज, सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल रीड किया, हाउ टू यूज़ ट्रिगर्स, यूजेस ऑफ ट्रिगर्स। गाइज, ट्रिगर्स के तो बहुत सारे यूज़ होते हैं। गाइज, ट्रिगर ही सबसे मेन है ट्रेन सिमुलेटर में। तो गाइज, ट्रिगर को कैसे यूज़ करते हैं वो तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रिगर के थ्रू हम लोग जो है कैसे रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल करवा सकते हैं स्टेशन में। ये भी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगा गाइज, क्योंकि गाइज इस वीडियो का बहुत ही डिमांड था मेरे पास। गाइज, बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे मेरे पिछले वाले ट्रिगर वाले वीडियो में, तो मैंने सोचा गाइज एट लास्ट आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं गाइज, क्योंकि बीच में वो ट्रिगर और एक्टिविटी वाले वीडियो को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने बनाया नहीं उसके बाद कोई ट्यूटोरियल वीडियो गाइज। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल तक कर सकते हो किसी भी स्टेशन में जाके। गाइज, आपको स्टॉप दिखाना है किसी ट्रेन का 5 मिनट्स का, तो गाइज कैसे 5 मिनट्स बाद जो है वो सिग्नल रेड से ग्रीन हो जाएगा, जैसे आप लोग मेरे एक्ट्स में खेलते हो गाइज, तो वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टारगेट है गाइस मेरा 1K सब्सक्राइबर। गाइस, फटाफट से चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लो, तो गाइस ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी गाइस। सो गाइस, लेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट तो कर लिया है हम लोग ने, तो आपको क्या करना है गाइस? सबसे पहले तो गाइस, आपको जिस स्टेशन में आपको रेड सिग्नल दिखाना है उस स्टेशन को आपको होना चाहिए गाइस। उस स्टेशन में दो सिग्नल तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आपको मेन लूप लाइन में एक सिग्नल देना पड़ेगा और एक मेन लाइन में देना पड़ेगा गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा लूप लाइन में जो है ट्रेन है गाइस, और मेन लाइन में गाइस पीछे देख सकते हो LHB रेक्स के साथ WDP 4D खड़ी हुई है गाइस। मैंने एक नॉर्मली एजम्पशन किया है गाइस एक ट्रेन के साथ गाइस, आपको ग्रीन सिग्नल करवाने के लिए गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर मैंने दो स्टेशन क्रिएट किया है। एक स्टेशन 1 किया है गाइज, मैंने आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्टेशन 1 करके मैंने यहाँ पर S1 लिख दिया है गाइज, और वहाँ पे गाइज आगे मैंने एक S2 करके लिख दिया है गाइज। तो यहाँ पर ये स्टेशन 2 है गाइज। मैंने नॉर्मली एक एजम्पशन किया है, ट्रैक मार्क वगैरह ऐडअप किया है, इसमें ट्रिगर्स वगैरह ऐड किया है, 3 ट्रेन ऐड किया है मैंने गाइज। सो आप लोग जो है पूरा वीडियो को देख लो यार, ट्रिगर कैसे करना है, ट्रिगर का क्या काम करना है, सब करने के बाद आपको जो है समझ में आ जाएगा कि फंडा क्या है इस चीज़ का। तो गाइज, मैं आपको एक सिग्नल को जो है रेड से ग्रीन करके दिखाऊंगा गाइज, वो भी ट्रिगर के थ्रू गाइज। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पे जो है एक ट्रैक मार्क बिठाया हुआ है। ट्रैक मार्क का नाम मैं आप लोगों को रीड आउट करके दिखाता हूँ गाइज, स्टेशन 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 गाइज, स्टेशन 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 गाइज। तो गाइज, मुझे जो है WDP 4D को स्टेशन 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे सबसे पहले लाना है गाइज, और उसके पाथ में जो है हमको ये ट्रिगर होना चाहिए गाइज। ये ट्रिगर का नाम क्या है मैं वो भी दिखा देता हूँ गाइज, WAP 1 डिपार्चर गाइज। तो गाइज, ये WAP 1 डिपार्चर को जब ट्रिगर को क्रॉस करेगा तो गाइज ये सिग्नल जो है ग्रीन हो जाएगा। कैसे ग्रीन होगा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ गाइज। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पर जंक्शन है, आगे भी एक जंक्शन है गाइज। तो गाइज, ये जंक्शन तो गाइज मुझे लेफ्ट में ही चाहिए, क्योंकि अगर मुझे डिपार्ट करना है तो गाइज ये जंक्शन को राइट में होना चाहिए, तो मैंने इसको लेफ्ट में रखा है गाइज। तो गाइज, जैसे ही वो ट्रिगर को WDP 4D क्रॉस करेगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली राइट में हो जाएगा गाइज, ऐसे राइट में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिंपली आपको जो है क्या करना है, ट्रेन को ड्राइव करना है गाइज। सो सबसे पहले मैं इसका शेड्यूल फिक्स कर देता हूँ गाइज WDP 4D का। तो गाइज, एडिट सेशन में आपको मेन मेन्यू में जाके एडिट सेशन में चले जाना है, फिर ड्राइवर सेटअप में जाने के बाद एडिट में चले जाना है गाइज। एडिट में जाके आपको WDP 4D का शेड्यूल फिक्स करना है गाइज। तो शेड्यूल फिक्स कैसे करना है आपको, नेविगेट टू ट्रैक मार्क में करूँगा। सबसे पहले यार नेविगेट टू ट्रैक मार्क कर तो स्टेशन 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 गाइज। उसके बाद वेट फॉर दे देंगे बहुत देर का, 2 मिनट्स, नहीं 2 मिनट्स नहीं गाइज, 1 मिनट्स का वेट फॉर दे देंगे गाइज। उसके बाद जो है गाइज, इसका नेक्स्ट स्टेशन है स्टेशन 2 प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो ऐसे जो है इसका मैंने दे दिया है गाइज। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो गाइज कि मेरा सिग्नल तो है ये रेड सिग्नल है, तो मुझे सबसे पहले उस जंक्शन का नेम चेंज करना पड़ेगा गाइज। जंक्शन का नेम मैंने चेंज करके रखा है गाइज, स्टेशन 1 जंक्शन, ऐसा मैंने जो है उसका नाम दिया है।
तो आपको क्या दो ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, एडिट सेशन में ही आपको सब करना है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक सबसे पहला ट्रिगर चेक और एक सेट जंक्शन गाइस। सेट जंक्शन को आपको ऐसे यहाँ पर जो है राइट वाला, जो यहाँ पर देख सकते हो नीचे मार्किंग दिख रहा है, ये राइट वाले में आपको ऐसे करना है। तो गाइस ये इसके लिए हो जाएगा गाइस, इसके साथ ये हो जाएगा, ट्रिगर चेक के साथ सेट जंक्शन हो जाएगा। तो ट्रिगर चेक को आपको क्या करना है, एडिट करना है गाइस। एडिट में जाने के बाद आपको क्या करना है, वेपन डिपार्चर, मतलब ये वेपन डिपार्चर वाला आपको ऐड कर देना है, और एक्सेप्ट ऑल ट्रेन्स करना है गाइस। मतलब WDP 4D जैसे ही उसको क्रॉस करेगा तो ट्रिगर एक्टिव हो जाएगा, और ट्रिगर से थ्रू जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइस, समझे गाइस। तो यहाँ पर सेट जंक्शन में जाऊँगा गाइस, तो सेट जंक्शन में जाके गाइस ओके कर दूंगा, फिर ऐड जंक्शन करूँगा मैं, स्टेशन 1 जंक्शन कर देता हूँ गाइस, स्टेशन 1 जंक्शन। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग को क्या करना है गाइस, आपको सेटिंग में गाइस वो अगर गाइस मैंने लेफ्ट में रखा है गाइस, तो उसको मुझे जो है राइट में जैसे ही होगा तो वो ग्रीन सिग्नल होगा, अगर लेफ्ट में रहेगा तो रेड सिग्नल रहेगा, क्योंकि गाइस आगे ट्रैक नहीं है गाइस, तो मुझे उसको जो है राइट में करना है। तो गाइस मुझे उसको क्या करना है, राइट में सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट सेटिंग को। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो राइट हो गया है, और ये लॉक्ड रहेगा गाइस, ताकि आप लोग जो है कुछ ना कर पाओ गाइस, वो खुद ब खुद होगा गाइस। तो आप लोग जो है देख लो गाइस कैसे होता है गाइस। तो यहाँ पर जो है मैंने ये आपको करके दिखा दिया गाइस, बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस, बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप लोग एक दो बार अगर यूज़ करोगे तो आपको जो है बहुत ही ईजीली आ जाएगा गाइस ये टास्क। मैं बहुत मुश्किल से ये चीज़ सीखा हो गाइस, मतलब गाइज मैं सब चीज़ के लिए टेस्टिंग करता हूँ गाइज, क्योंकि मुझे सीखना था कि कैसे मुझे रेड सिग्नल करना है, और मुझे अपने व्यूअर्स को बताना था। सो मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ ढूंढा। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ मैं, ये सब ढूंढता हूँ मैं। तो अब मैं जो है ड्राइवर सेटअप में चला, मतलब ड्राइवर में चला जाता हूँ गाइज, सेव करता हूँ सबसे पहले, सेव करके फिर ड्राइवर में चला जाता हूँ गाइज। तो गाइज लेट्स ड्राइव द ट्रेन। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं जो है ड्राइव वाले सेशन में आ चुका हूँ। सो गाइज आप लोग सामने देख सकते हो रेड सिग्नल दिखा रहा है, और जंक्शन भी लेफ्ट की तरफ ही दिखा रहा है गाइज। तो आप लोग देखना जैसे ही जो है पीछे आ रही WDP 4D जो है ये क्रॉस करेगी ट्रिगर को गाइज, जो मैंने सेट किया था, वैसे ही जो है हमारा देख सकते हो जैसे कि ग्रीन सिग्नल हो गया है, और साथ में आगे का जंक्शन जो है वो भी राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका है गाइज। तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है मतलब कि रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल दिखा सकते हो गाइज। आपको अगर 5 मिनट्स का हॉल्ट दिखाना है तो गाइज ट्रिगर को ऐसे सेट करना है कि कोई ट्रेन जो है 5 मिनट बाद उस ट्रिगर को मतलब कि क्रॉस करे, और आपका जो है सिग्नल ग्रीन हो जाए, देन आप लोग जो है डिपार्ट कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप एक यूट्यूबर हो और एक्टिविटीज़ बनाते हो गाइज़, ये तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज़ बहुत जन जो है आगे ट्रेन खड़ा कर देते हैं गाइज़, फिर जो है रेड सिग्नल दिखाते हैं गाइज़। ऐसा करने से गाइज़ कुछ मतलब नहीं होता है गाइज़, आगे जाकर जो है अगर ट्रेन अगर खड़ी हो जाती है गाइज़ तो उसमें सिग्नल नहीं मिल पाता है गाइज़, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो गाइज़ यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है गाइज़, और आगे भी आप लोगों को वीडियोस लाऊंगा गाइज, जैसे कि ओवरटेक्स कैसे दिखा सकते हो, पैरेलल रन प्लस ओवरटेक्स कैसे दिखा सकते हो, ये भी आप लोगों के लिए लाऊंगा गाइज। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना गाइज अपने ट्रेन्स खेलने वाले फ्रेंड्स के साथ गाइज, क्योंकि उन लोग को भी ये सीखना चाहिए गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जाने से पहले कमेंट में बता के जाना कि कैसा लगा आपको वीडियो गाइज।